आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम बुक करना चाहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स तीन चीज़ों के बेसिस पे अपना एग्जाम बुक करते हैं, प्रेपरेशन के ऊपर, प्रोडिक्शन के ऊपर एंड टाइमिंग के ऊपर। टाइमिंग का मतलब ये है कि दो या तीन या चार मंथ्स लगा देते हैं कई बार स्टूडेंट्स, एंड समटाइम्स यू थिंक कि अब मेरा टाइम हो चुका है और मैं अपना एग्जाम बुक कर देता हूँ। हालांकि वो थक जाते हैं उस चीज़ को बार बार करके। दूसरी चीज़ अपनी है प्रेडिक्शन। ऑल्दो आई ऑल्सो अपलोड प्रेडिक्शंस, पर मैं वहाँ पे बोल देता हूँ कि प्रेपरेशन जो है वो प्राइमरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर मेरा आप सजेशन लेना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना सजेशन दूंगा और दूसरी चीज़ एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के रिलेटेड मैंने बात करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सजेशन मेरा यही है कि जब आपके 6.5 ईच आने लग जाए मॉक टेस्ट में, डेली की क्लासेस में, तब जाके एग्ज़ाम बुक करो, क्योंकि हाफ बैंड का फ़र्क पड़ ही जाता है। 6.5 से 7 भी हो सकते हैं एग्ज़ाम में, 6.5 से 6 भी रह सकते हैं या 6.5 भी रह सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मानो। एंड सेकंड थिंग, इफ़ यू बिलीव कि आपके इंस्टीट्यूट में आपको जो स्कोरिंग मिल रही है वो सही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल करेक्ट होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट स्टिल इफ़ यू थिंक, तो एक टास्क वन या एक टास्क टू, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ आप कभी भी फॉरवर्ड कर सकते हो। आई वुड अवेलुएट दैट, ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे ही स्पीकिंग का है, आप एक स्पीकिंग फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं अवेल्यूएशन करके आपको बता दूंगा कि क्या एक्चुअल क्या स्कोर है और कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसको। एंड सेकेंड थिंग, ये चीज़ मैं आपको फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो लास्ट ईयर वाला 5.5 बैंड वाला रूल गया, ठीक है। अब जो है कैपिंग की वजह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश कोलंबिया में 83,000 लेटर्स ही देने हैं अटेस्टेशन लेटर, मतलब 83,000 स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेंट्स आ सकते हैं, ओके। और उसमें से भी वीज़ा देना या ना देना वो एम्बेसी के ऊपर बेस्ड है, दे आर गोइंग टू पिक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स, ओके। तो अपनी प्रोफाइल पे आज से ही वर्क करना स्टार्ट कर दो। दो चीज़ें मेन है, एक तो आपका हार्डवर्क है, एक रिसर्च है। जब आयल्स करनी है हार्डवर्क करके करो, जब अपने फाइलिंग का काम करवाना चाहे हमसे करवा रहे हो, चाहे कहीं से भी करवा रहे हो, रिसर्च करके करो, ठीक है जी। इससे आप कभी भी मार नहीं खाओगे किसी भी चीज़ से। बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो गिवन नंबर्स पे, व्हाट्सअप करोगे तो बेटर है। जैसे मेरी क्लासेस खत्म होते हैं आई वुड रिप्लाई दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।